Audio Jungle. नौतन थाना क्षेत्र के पचलखी गांव से बड़ी खबर आ रही है। बताते चले कि कुछ दिन पहले सिवान जिला के नौतन थाना क्षेत्र के पचलखी गांव के पांडे टोला के निवासी अमीन विश्वनाथ पाठक का कुछ माह पहले यानी कि 16 मई 2020 रात को 12 बजे गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उसके बाद विश्वनाथ पाठक के परिजनों द्वारा जय प्रकाश पाठक एवं बलेंद्र पाठक पे FIR दर्ज किया गया था। वहीं अमीन विश्वनाथ पाठक का परिजनों का कहना है कि अभी तक पुलिस इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहां तक कि हम लोगों को अनिल पांडे द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोग केस वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग गोली मार देंगे। जिस तरह से विश्वनाथ पाठक को गोली मारे थे उसी तरह आप लोगों को भी एक एक करके गोली मार देंगे। आइए सुनते हैं कि विश्वनाथ पाठक के भतीजे अरविंद पाठक जी का क्या कहना है। 2020 को रात्रि 12 बजे मेरे बड़े पा विश्वनाथ पाठक अमीन साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या जय प्रकाश पाठक बलेंद्र पाठक किए, साथ में पड़ोस के भी 5-6 आदमी या 11 आदमी थे जिन्हें हम लोग पहचान नहीं पाए, और उसको लेके आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं और खुलेआम घूम रहे हैं और हमें और हमारे परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अभी पिछले 21 सात को मेरे पड़ोसी अनिल पांडे, उसका लड़का पीयूष पांडे, उसके चाचा का लड़का मिंटू पांडे, ये सब क्या किया कि हम गए थे थाना पे, वे यही सब पूछने कब गिरफ्तारी होगी। तो जब उधर से लौटे तो हम मेरे से पूछा तो हम बता दिए थाना पे गए थे। उसके बाद से क्या हुआ कि शाम को ये लोग हथियार लेके आ गए, बोले कि 2 महीना हो गया मर्डर किए हुए, क्या कर पाए, अगर अभी तुम नहीं सुधरे, तुम लोग केस वापस नहीं लिए, तुम लोग को भी जान से मार देंगे जैसे उनको मारा था, बारी बारी से सबको मार देंगे। और ये लोग जो हैं अपराधी टाइप के आदमी हैं। 1989 में किडनैपिंग का केस अनिल पांडे पे दर्ज है, उसके बाद से 2007 में बमबारी गोलीबारी के आरोप में ये जेल भी जा चुके हैं। अभी भी उनका लड़का पीयूष पांडे सासाराम टाउन थाना में बाइक चोरी के मामला में, हथियार रखने के मामला में जेल में भी रह चुका है। इसलिए हम लोग को इनसे डर है कि ये लोग अपराधी टाइप के आदमी हैं, कभी भी हमें हम पे अनहोनी घटना घट सकता है। इसमें SP साहब और STPO साहब से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करें और जांच अपने स्तर से करें, क्योंकि थाना से अभी तक जब मर्डर हमारे बड़े पा को मर्डर हो गया अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तो अपराधियों का मनोबल थाना के द्वारा ही बढ़ रहा है। मेरा नाम अरविंद पाठक है, मेरे पिताजी का नाम गणेश पाठक है, मैं यहीं का निवासी पचलखी पांडे टोला का निवासी हूँ। हत्या 16/5/2020 को 12:15 बजे कर दी गई। अभी तक 2.5 माह हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग खौफ में जी रहे हैं और जो हमारे विपक्षी का सपोर्टर है हमें धमकी दे रहे हैं कि केस वापस ले लो, नहीं तो बारी बारी से सबको हम लोग मार देंगे। इसलिए थाना से विश्वास हट चुका है। अब SP और DSP साहब से अनुरोध है कि आप अपने स्तर से कार्रवाई करें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पाठक है। वो पीछा पड़ रहा था लोग, रास्ता उल कामना पर घिरा होता लोग, कहता लोग जो जल्दी केस उठा लो नहीं तो बारी बारी सबके मारे जाए। हाँ, कब तक हम लोग छिप कर रहे हैं, कहीं भी मंदिर भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारा लेडीज और जेंट्स हम लोग छुप कर रहते हैं। इसके लिए जल्द से जल्द SP IDSP कार्रवाई करें, जो चाहे वो। नाम क्या है? गीता देवी।